दो दिन में 29 चालान होने के बावजूद संगड़ाह में एमवी एक्ट की वॉयलेशन करते दिखे कुछ बाइकर्स। आधा दर्जन दूर सब्जी व ढाबे वालों के अलावा संडे को बंद रहा बाजार। सिविल सब डिवीजन संगड़ाह में पौने दो साल से रविवार को नहीं चल रही है एचआरटीसी बसें। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में पुलिस द्वारा दो दिन में 29 चालान किए जाने के बावजूद रविवार सायं यहां हरियाणा व पड़ोसी राज्यों के कुछ बाइकर्स बिना हेलमेट व ट्रिपल राइडिंग करते भी देखे गए। बस अड्डे चौक पर ऑटो चालान करने में सक्षम एएनपीआर सिस्टम लगने तथा पुलिस असिस्टेंस बूथ में शाम तक होमगार्ड के जवानों की मौजूदगी के चलते मुख्य बाजार में दिन के समय ट्रिपल राइडिंग वाले बाइकर्स द्वारा जहां कुछ दूरी पर तीसरी सवारी उतारी जाती देखी गई, वहीं कैमरे की नजर में रहने के दौरान हेलमेट पहने भी देखे गए। गौरतलब है कि 2 जनवरी को यहां एनपीआर सिस्टम लगने के बाद से कुछ दिन तक हालांकि ज्यादातर चालक एमवी एक्ट का पालन करते दिखे, मगर इस सिस्टम के चालू अथवा एक्टिवेट न होने का पता चलने के बाद से फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आए। रविवार को ट्रैफिक इंचार्ज खुशहाल चंद द्वारा जहां वाहन अधिनियम की अवहेलना पर 10 चालान किए गए, वहीं इससे पहले शनिवार को सिरचो मेहरचंद द्वारा 10 तथा ट्रैफिक इंचार्ज 9 चालान किए गए। बिना आवश्यक दस्तावेज के पाई गई हरियाणा के नंबर वाली 3 बाइक को भी शनिवार को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था। मुख्य बाजार संगड़ाह में आज केवल दूध व सब्जी आदि की दुकानों तथा ढाबों को लगाकर आधा दर्जन के गरीब दुकानदार ही खुले रहे, जबकि इसके अलावा पूरा बाजार बंद रहा। शनिवार सायं हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा 5 बजे बाजार बंद करवाया गया, मगर रविवार को टाइमिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही और इसके बाद भी कुछ दुकानें पर ढाबे खुले रहे। प्रशासन तथा व्यापार मंडल द्वारा यहां साप्ताहिक अवकाश अथवा बाजार बंद करने का दिन भी रविवार निर्धारित किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज स्वास्थ्य खंड संग्रह में कुल 12 सैंपल हुए थे और केवल 1 शख्स पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले शनिवार को 6 तथा शुक्रवार को 8 हेड सैंपल पॉजिटिव पाए गए। हालांकि विभाग से आरटीपीसीआर सैंपल संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी। मेडिकल ब्लॉक संग्रह में वर्तमान में एक्टिव कोरोना केसेज की संख्या 40 से ऊपर पहुंच चुकी है और क्षेत्र में फिलहाल कोरोना संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। एसडीएम संग्रह डॉक्टर विक्रम नेगी तथा कार्यवाहक बीएमओ डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने सभी क्षेत्रवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने तथा अब तक वैक्सीनेशन से वंचित लोगों से कोविड वैक्सीन की पहली अथवा दूसरी डोज लगाने की अपील की।